स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल घरेलू नुस्खे में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मुख की दुर्गंध को कैसे और किस प्रकार दूर करें। बहुत ही सरल एवं आसान उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसके जरिए आप बहुत ही आसानी से अपने मुख की दुर्गंध को दूर कर सकते हैं। मुख की दुर्गंध को दूर करना बहुत ही सरल एवं आसान उपाय है। तो जैसे कि आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपके मुख की दुर्गंध दूर हो जाएगी। मुख की दुर्गंध दूर करने के लिए आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोई गोली खा ले या कुछ इलायची वगैरह खा ली, तो उसका असर सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही रहता है। तो आज हम आपको ऐसा नुस्खा बताएंगे जिसका असर आपके मुख में परमानेंट ही रहेगा, आपके मुख की दुर्गंध आपकी जड़ से ही खत्म हो जाएगी। जो भी कारण होता है आपके मुख की दुर्गंध का, उसको परमानेंटली ये जड़ से खत्म कर देता है। तो इस नुस्खे को आप कैसे और किस प्रकार इस्तेमाल में लाएंगे, यह सब हम आपको इस वीडियो के जरिए बताने जा रहे हैं। हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से देखें, ताकि आपको सब अच्छे समझ आ जाए कि आपने इस नुस्खे को कैसे और किस प्रकार इस्तेमाल में लाना है। यह नुस्खा बताने से पहले मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल घरेलू नुस्खे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक नुस्खों की जानकारी हमारे चैनल के द्वारा मिलती रहे। चलिए दोस्तों, अब हमारी इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो इस नुस्खे के लिए सबसे पहले जो आपको सामग्री लेनी है वो है सिर्फ लौंग। ये आपको हर किचन में, हर घर पर, हर बहुत ही आसानी से पाया जाता है, क्योंकि लौंग ये एक ऐसा खजाना है जो हर किचन में सब्जियों में स्वाद लाता है और दांत दर्द के भी काम आता है। लौंग एक बहुत ही आयुर्वेदिक ऐसी औषधि है जिसके बहुत ही फायदे बताए गए हैं। तो आज हम आपको इसका एक ऐसा फायदा बता रहे हैं जिसके जरिए आप अपने मुख की दुर्गंध को दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने ऐसे दो लौंग लेने हैं, फूल वाले, जैसे कि आप ये देख रहे हैं इनके ऊपर फूल लगा हुआ है। ये फूल वाले दो लौंग आपने प्रतिदिन रात्रि के समय चबा चबा कर खाने हैं। शुरू शुरू में आपको कुछ अटपटा सा लगेगा, मुँह में चबाने में आपको कुछ ज़्यादा गर्म सा लगेगा, तो धीरे धीरे आपको इस नुस्खे की आदत पड़ जाएगी। प्रत्येक रात्रि सोते समय, सोने से पहले, यानी कि 5 से 10 मिनट पहले सोने से, जब आप बिस्तर पर जाएं सोने के लिए, तो उससे पहले 5 से 10 मिनट पहले दो लौंग अच्छे तरीके से अच्छे से चबा चबा कर खा जाएं। और उसके पश्चात आपने ना तो पानी पीना है ना ही दूध पीना है। अगर जो आप रात्रि में दूध पीकर सोते हैं तो दूध आप पहले ही पी लें, उसके पश्चात आप आधे एक घंटे का गैप देकर फिर आप दो लौंग को चबा कर खाएंगे। इस नुस्खे को आप प्रतिदिन इस्तेमाल करें और कुछ ही दिनों के अंदर आप खुद देखेंगे कि जो भी आपके मुंह से दुर्गंध आया करती थी, जिस कारण से भी आया करती थी, वो सब कारण दूर हो जाएगा। आपके मुख में से दुर्गंध, किसी भी प्रकार की कोई दुर्गंध नहीं आएगी। तो इस नुस्खे को आप प्रतिदिन इस्तेमाल करना है आपने। मेरे द्वारा दी गई जानकारी सब आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं, तो बेशक हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक नुस्खों की जानकारी हमारे इस चैनल के द्वारा मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में इसी तरह किसी अन्य नुस्खे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।